आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट स्थित बाबा मसाननाथ मंदिर के सामने मंगलवार रात नगर बधुओं ने पूजा अर्चन किया और जलती चिताओं के बीच नृत्य कर सदियों से चली आ रही परंपरा को निभाई। नगर बधुओं ने बाबा से वरदान भी मांगा कि अगले जन्म में उन्हें नगर बधु के रूप में जन्म ना लेना पड़े। बताया जाता है कि ये परंपरा राजा मान सिंह के समय की है, जब काशी के तमाम कलाकारों ने बाबा मसाननाथ के दरबार में हाजिर लगाने से मना कर दिया था। तब इन्हीं नगर बधुओं ने बाबा के दरबार में अपनी प्रस्तुति देकर अपने लिए बेहतर जिंदगी की कामना की थी। ये परंपरा तब से आज तक अनवरत चली आ रही है। धार्मिक नगरी काशी का मोक्ष तीर्थ महाशमशान मणिकर्णिका घाट, जहाँ हिंदू अंतिम संस्कार को मोक्षदायी माना गया है। कहते हैं यहाँ अंतिम संस्कार होने पर जीव को स्वयं भगवान शिव तारक मंत्र देकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देते हैं। लेकिन हर साल चैत्र नवरात्रि की सप्तमी तिथि को यहाँ का नजारा कुछ अलग ही होता है। बदनाम गलियों के अंधेरे से निकलकर नगर बधुए महाशमशान में नृत्य करके अपने लिए अगले बेहतर जन्म में बेहतर जिंदगी की कामना करती है। दरअसल 17वीं शताब्दी में काशी के राजा मानसिंह ने इस पौराणिक घाट पर भूत भावन भगवान शिव जो मसाननाथ के नाम से शमशान के स्वामी है, मंदिर का निर्माण कराया और साथ ही वह यहाँ भव्य संगीत समारोह कराना चाहते थे। लेकिन एक ऐसे स्थान पर जहाँ चिताएं जलती हो, संगीत को सुरों को छेड़े भी तो कौन, जाहिर है कोई कलाकार यहाँ नहीं आया। आई तो सिर्फ तबाइफे और तब से लेकर आज तक इस परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इस आयोजन की यह सिर्फ एक वजह हो, लेकिन धीरे धीरे ये धारणा भी आम हो गई है कि बाबा भूत भावन की आराधना नृत्य के माध्यम से करने से अगले जन्म में ऐसी तिरस्कृत जीवन से मुक्ति मिलती है। गंगा जमुनी संस्कृति की मिसाल इस धरती पर सभी धर्मों की तबाइफ आती है। जुबा पे बस एक ही ख्वाहिश लेकर की बाबा विश्वनाथ के दरबार में अपनी अर्जी लगाऊंगी, क्योंकि भगवान शिव जो यहाँ मसाननाथ के रूप में पूजनीय है, गीत नृत्य वाद्य और नाट्य के सर्वोच्च देवता भी है। बाबा मसाननाथ के 3 दिवसीय श्रृंगार महोत्सव के अंतिम दिन उमड़ी भीड़, नगर बधुओं ने अपने नृत्य से सौलोक में शिवलोक का मंजर पेश कर संदेश दिया कि मोक्ष की नगरी काशी, जहाँ जन्म और मृत्यु दोनों ही उत्सव है। न्यूज 9 भारत के लिए तौफीक खान की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर अब चाहूंगे इजाजत। नमस्कार।